जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्स, ना नॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने लिया था क्या क्या चीज, N2O, NO, NO2, N2O 3, N2O4 और N2O5। इसके बारे में बताया था शायद, इसके बारे में, इसके यही बचा था ना, इसी को बताना था। क्यों NO2 ही तो चल रहा था, NO2 मतलब चलेगा, वही चलेगा ना, हैं? यस सर। तो आइए NO2 के बारे में देखते हैं। नाम से ही पता चला, देखिए NO2 को अगर ध्यान दीजिए, NO2 जो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। कैसे जाना हमने, अब आप ऐसे समझिए, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 × 12, 12 × 5 = 17, 17 के लिए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, 17 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये कैसा होता है, अनस्टेबल इन नेचर होता है। और ये जानते हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है, यानी मैग्नेट के द्वारा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, मैग्नेट के द्वारा ये अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, कौन, जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और NO2 के पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होने की वजह से ये दोनों करेक्टर शो कर रहे हैं। तो अगर हम NO2 को कूल कर दें, अनकूलिंग, जानते हैं NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में, डाइमेराइज इसे कहते हैं। ये क्या है, ये मोनोमर है, ये आपका मोनोमर है और ये क्या हो गया, डाइमर हो गया। तो इसका मतलब दो NO2, इसे आप कूल करिए, कूल करने पे किस में कन्वर्ट हो जाए, देखिए ये भी आ जा रहा है इसमें, ठीक है, कूल करने पर ये जो है क्या हो जा रहा, मोनोमर डाइमर में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और जो डाइमर बन रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा, बोलो, जो डाइमर बन रहा है वो कौन सा होगा, अरे यार दुगना 17 × 34 नहीं हो गया, यानी इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया, ये इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया, इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। इसको हमने अभी बताया था आपको क्या, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और ये क्या हो गया, अब ये स्टेबल हो गया, ये आपका स्टेबल हो गया। मतलब NO2 जो है कूल करने पर N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है, तभी तो इसमें भाग रहा है। और अगर इसे आप हीट कर दीजिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2O4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 का फॉर्मेशन कर देगा। ये सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट को आप हीट कर देंगे। लेड नाइट्रेट क्या होता है, पीबी की बैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की बैलेंसी कितनी होती है, 1, तो PbNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। इसको अगर आप दिखाएंगे तो ये बन जाएगा सीधा सीधा, आपका क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए आपका बन जाएगा PbO, बन जाएगा PbO का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसको हम 2 ले लें तो 2 PbO, और कितना NO2 हो जाएगा, 4। ऑक्सीजन देखो बैलेंस होने, 3 × 6 × 12, यानी O2 यहाँ आ जाएगा, ये भी गैस के रूप में, ये भी गैस के रूप में, तो PbO का फॉर्मेशन हो जा रहा है, NO2 गैस और O2 गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जा रहा है। देख लीजिए इसको,
एक आपका इंटेक्स क्वेश्चन अगर देखिए दिया गया है वाई एनओ टू इज डाइमेराइज, क्वेश्चन दिया गया है वाई एनओ टू इज डाइमेराइज, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो एनओ टू डाइमेराइज क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर देखिए हमने पहले लिख दिया है, ये क्वेश्चन दिया गया है एनओ टू डाइमेराइज क्यों होता है, तो एनओ टू कैसा मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, अभी आपने बोला ना NO2 कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और वो कैसा नेचर होगा, अनस्टेबल होगा, तो डाइमेराइज इसलिए होता है कि वो इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल इन नेचर होता है, इस वजह से NO2 क्या होता है, डाइमेराइज है, ठीक है। NO2 के डाइमेराइज होने का यही कारण है, NO2 dimerizes because NO2 is a odd electron molecule, और odd electron molecule होगा तो वो सीधे सीधे dimer में convert होगा, और जब dimer में convert हो जाएगा तो odd से even हो जाएगा, यानी 17 दुना यहाँ कितना हो जाएगा 34 इलेक्ट्रॉन molecule, 34 इलेक्ट्रॉन molecule हो जाएगा। पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन में इथीन होता है, और पॉलीथीन में क्या होता है, इथीन का पॉलीमर होता है, वैसे वाटर का पॉलीमर हो गया, वैसे ही ये क्या हुआ, NO2 के दो मॉलिक्यूल मिलकर के डाइमर बनाते हैं, तीन मॉलिक्यूल मिलकर ट्राइमर बनाते हैं, चार मॉलिक्यूल मिलकर टेट्रामर बनाते हैं, तो जैसे जितनी यूनिट जुड़ेंगे उसे हम उसी हिसाब से डाइमर ट्राइमर टेट्रामर हेक्सामर इस तरह से बताएंगे। हाँ, तो ये बताएंगे कि NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, अनस्टेबल होता है, और ये स्टेबल होने के लिए इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट है, इसीलिए वो डाइमेराइज होता है। आपको मालूम है NO2 जो होता है, NO2 के बारे में भी ये कहा जाता है, देखो NO2 जो है ब्राउन कलर गैस होता है, ब्राउन गैस, और अगर आपसे कोई पूछे, हमने बार बार कहा है ब्राउन गैस है तो उसका कारण है ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑड नंबर में होगी वो हमेशा, जान लीजिए क्या नेचर शो करेंगे, हमेशा वो कलर्ड शो करेंगे, तो ये ब्राउन कलर की गैस NO2 होता है। NO2 ब्राउन कलर की गैस होता है, और उसका कारण है कि वो ऑड इलेक्ट्रॉन भी, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी पाया जाता है वो कलर होता है मेजॉरिटी में, ठीक है। चले आगे हो, NO2 को अगर इमेजिन करिए, NO2 पानी से रिएक्शन करे तो कौन से एसिड बनाएगा, HNO3, तो इसका मतलब ये कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, HNO3 जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो लैब में तगड़े एसिड पाए जाते हैं कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ये सब बहुत तगड़े हैं, अगर आपके स्किन पे गिर जाए तो यहाँ पे चिड़चिड़ाहट की, मतलब आपको महसूस होगा कि जैसे आपकी जो ये खाल है ऊपर की जो लेयर है ये जिसे उखड़ रहे, कोरोसिव एक्शन होगा, मतलब चिड़चिड़ाहट सी अनुभूति हो, ठीक है,
तो ये चीज है। तो हमने आपसे क्या कहा, एसिडिक इन नेचर वाटर से रिएक्शन करेगा, अभी नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद। तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद HNO3 बनाता है, और HNO3 जो होता है वो स्ट्रांग एसिड होता है, और इसी वजह से ये एसिडिक इन नेचर होता है। क्योंकि NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए नाइट्रोजन सेंटर में होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा कुल मिला के बताओ, 17 कह रहे हैं ना, 17 में से आपको जो है देखो 2 और 1, यहाँ ओ ले लिया, यहाँ ओ ले लिया, 4 यहाँ ले लिया, 6 यहाँ खर्च कर दिया, कितना होगा गिनो, 4 6 4 10 10 6 16 17 तो था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। हमने बार बार कहा लुईस डॉट सिंबल में वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन हमने देखे ये लिया ना, कहा 17 इलेक्ट्रॉन कैसे आया था जान रहे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 और 5, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 और 6, कई ऑक्सीजन है 2 6 2 12 5 17, यही तो इलेक्ट्रॉन है। अब इन 17 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे बांटिए कि सबका अपडेट क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो इसका अपडेट देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका अपडेट 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, हो गया नहीं क्योंकि 18 तो है नहीं, 17 है, तो इसका साथ ही रहेगा 2 2 4 2 6 और 1 7, ऐसे रहेगा। अब कुल मिला के देखिए 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, 6 2 8 4 12 4 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इन 17 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, ये आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर इसका रेजोनेंस देखेंगे तो आप इसको जो है डबल बॉन्ड इधर दिखा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड इधर दिखा सकते हैं, और ये लोन पेयर इस तरह से, और ये आपका इस तरह से हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ ये डबल बॉन्ड फिक्स है इधर ही हो, ये जरूरी नहीं, ये इधर भी जा सकता है। तो इसी वजह से दोनों एनओ की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। All the NO bond length in NO2 are identical. जितने भी NO bond length होंगे वो सब क्या होंगे, identical होंगे, और इसकी जो bond length होती है वो 120 bond angle कह रहे हैं, bond length bond angle, इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। इस शेप का नाम बता सकते कोई भाई, इस शेप का नाम क्या होगा है? ये 120 भी है। अरे कैसा ये शेप देखो, ये शेप देखो, ये क्या है, वी से पढ़ा है ना, इसका वी से पढ़ा है, ये वी दिखाई दे रहा, वी उल्टा वी ना, वी से किसका पढ़ा है, पानी का पढ़ा है, तो पानी का ऐसे ही दिखाई देता देखो है, तो इसे आप कह सकते हैं वी से बेंड एंगुलर जस्ट लाइक आ टू वाटर की तरह ये होता है, जस्ट लाइक टू वाटर। इसे पढ़ेंगे क्या भाई, इसे पढ़ेंगे क्या, ऐसे देखो डाई नाइट्रोजन है, 2 डाई नाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड, इसे पढ़ेंगे क्या, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये हो गया। और इसको बनाना है तो बहुत सिंपल सा मेथड है, NO ले लीजिए और N2O4 का मतलब है 2NO2, ठीक है, इसे कूल कर दीजिए, क्योंकि कूल करेंगे तभी जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा N2O3, देखो बहुत आगे नहीं पूरा N2O3, अब कितना हो जाएगा
टू एंड टू ओ थ्री। बैलेंस हुआ ना, लगभग 250 केल्विन तक है। 250 केल्विन मतलब नेगेटिव टेम्परेचर पे ये स्टे कर रहा है, यानी N2O4 की बात हम लोग जो कर रहे हैं, स्टे है नेगेटिव टेम्परेचर। यही तो हुआ भाई, 250 केल्विन का मतलब क्या हुआ? अरे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है ना, तो उससे भी कम जा रहा है ना, तो इसका मतलब स्टे एट नेगेटिव टेम्परेचर। ये नेगेटिव टेम्परेचर पे स्टे करता है और हल्का ब्लू कलर का होता है, पेल ब्लू कलर। और ये जानते हैं लाइट ब्लू कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे, लाइट ब्लू एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर को बता रहे हैं, इट बिकम्स ब्राउनिश, इट बिकम्स ब्राउनिश एट रूम टेम्परेचर N2O3 डीकंपोजेस एंड फॉर्म क्या क्या बना देगा, NO और NO2 फॉर्म, NO एंड NO2, और NO2 का कलर क्या होता है, NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन। NO2 का भी पढ़ते ना ब्राउन कलर, तो ये जो है N2O3 जो है ये टूट जाता है रूम टेम्परेचर पे, इसमें NO2 में और NO में, और इसी वजह से ये क्या दिखाई देता है, ठीक ब्राउन। ड्यूरेशन ऑफ NO2 लुक्स लाइक कैसा हो, ब्राउन। अगर आपसे पूछे ये कि रूम टेम्परेचर पे जैसे ये वास्तव में कौन सा कलर शो करता है, हल्का नीले कलर का, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये कैसा दिखाई देता है, ब्राउन। क्यों? क्योंकि ये कूल करने पर यानी 250 है नेगेटिव टेम्परेचर पे ये बनता है, और रूम टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हाई हो गया तो रूम टेम्परेचर पे N2O3 डिकम्पोज कर जाएगा, और जब N2O3 डिकम्पोज करेगा तो क्या बना देगा, वो ब्राउन कलर का जो है, ब्राउन कलर दिखाई मतलब ब्राउन कलर में दिखाई देगा। उसका कारण क्या है, NO और NO2 का फॉर्मेशन होगा, NO2 के वजह से ये कैसा दिखाई देगा, ब्राउन। ये लिखा है कहीं, देखिए NO2 इज ए ब्राउन गैस ना, NO2 इज ए ब्राउन गैस, तो ये चीज दो बार एन है ना, ये हो गया, NN के बीच में बॉन्ड होगा ही, N2O3 कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया और आपका ये हो गया, ठीक। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है, कहीं पे ये बॉन्ड हो जाए डबल, ये डबल यहाँ हो जाए और ये सिंगल बॉन्ड हो जाए, तो चार, देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ये चार हो जाए, ये चार हो जाए, यहाँ छह हो जाए, ठीक है, और यहाँ दो हो जाए, देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया। ये डबल बॉन्ड घूम सकता है यहाँ वहाँ, डबल बॉन्ड कोई दिक्कत नहीं, आप जरूरी डबल नहीं बनाए, डबल यहाँ भी जा सकता है, डबल इस जगह भी आ सकता है, और ये सिचुएशन तो ऐसे ही रहेगी, चाहे इसको नीचे कर दीजिए, चाहे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत, चाहे इसको लीनियरली दिखा दीजिए, सीधे सीधे लाइन में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये N2O3 का स्ट्रक्चर है, ठीक। अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए इसमें जो इसका एंगल दे रहे हैं, देखो N O
इनका जो एंगल दे रहे हैं 170 डिग्री, इसका जो एंगल दे रहे हैं 130 डिग्री, इसका जो दे रहे हैं 105 डिग्री, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर और इसकी जो है 114 पिकोमीटर। इधर वाली बॉन्ड आइडेंटिकल ही होगी, देखिए 121 121, ये वाला 114 है क्योंकि यह डबल बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड हो नहीं सकता है, सिर्फ डबल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। मोस्ट एसिडिक होता ही ध्यान रखिएगा, और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +5, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +5, और आप कुछ करिए ना 4HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड P4O10, इसकी रिएक्शन आप पूरी करिए, इसकी रिएक्शन आप पूरी करिए, N2O5 बनेगा। मेटाफास्फोरिक एसिड बैलेंस वन में देखो जाए तो मेटाफास्फोरिक एसिड हो गया N2O5। तो इन सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट की बात करें, एग्जिस्ट एज आयनिक फॉर्म, तो कैसे है देखो ध्यान से, N2O5, NO2 और NO3, NO2 प्लस और NO3 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी सॉलिड स्टेट में ही स्वरूप में दिखाई देता है। NO2 प्लस NO2 माइनस NO3 माइनस, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही है, बस ये ऑक्साइड हो गया, तो बस वैसे चीज देखने लायक है। एन ये देखो ओ ओ एन ओ ओ और यही ऐसे बना, तो बस हो गया, ये ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। इसका एंगल 112 डिग्री, इसका 151, इसका 119 पिकोमीटर और इसका जो है 134 डिग्री।